कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो ये आपके क्रश की फीलिंग्स है या आपकी फीलिंग्स, आप इस वक्त क्या सोच रहे हो उनके लिए। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हो जाती है फिर आपके क्रश की फीलिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल्स, तो यस डेफिनेटली आप इसे बात करने के बारे में सोच रहे हो, इनको लेके किसी से डिस्कस कर रहे हो, पूछ रहे हो इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या ये आप में इंटरेस्टेड है, क्या क्या ये आएगा, क्या क्या ये कभी भी आपसे बात करेगा, क्या ऐसी कुछ बातें आप किसी और से करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके क्रश टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर 7, 3, 12 आपको आपके क्रश के बर्थ डेट में हो सकते हैं। करंट पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये पर्सन, मतलब ये जो भी लोग आप जिनसे भी डिस्कस कर रहे हो ना, या तो ये लोग आपको कुछ गलत बता रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, जैसे कि ये हो सकता है कि आपको बता रहे कि हाँ वो तो तेरे पास आएगा, वो तो तुझे दिल से चाहता है, बस वो बात नहीं कर रहा है, तो आप कन्फ्यूज हो। अगर ये सच में चाहता है, सच में मुझ में इंटरेस्टेड है, तो फिर ये मुझसे बात क्यों नहीं करता इसके साथ, मतलब जाऊँ नहीं जाऊँ, इसको प्रपोज करूँ नहीं करूँ, इस तरह के एनर्जीज में, या इसको मतलब मैं रुकूँ कि मूव ऑन करूँ। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने पहले इनको बोल के देखा था, कुछ भी मतलब स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, या तो आप जो कि इनको अपने अकाउंट से कुछ फेक आईडी से कॉल मैसेज करने की कोशिश करते रहते हो, ऐसा कुछ है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि या तो ये आपको देखकर भी रिप्लाई नहीं करते हैं, अगर सामने से आप जाते हो तो ये आपको देखकर अनदेखा कर देते हैं, तो ये कैसा प्यार है, जैसे कि आपको पीठ दिखा देते हैं, अगर आप सामने से आते हो तो ये कहीं पे कहीं और मुड़ के चले जाते, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करता है, शायद ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करता है, फिर ये लोग कैसे बोल रहे कि मुझ में इंटरेस्टेड है। इस तरह के आपके एनर्जीज, आपको इनकी तरफ से जैसे कि पैशन फील होता है, लेकिन इनका इग्नोरेंस समझ में नहीं आता है। अभी भी दिल कर रहा है आपका भी दिल कर रहा है खुद हो कि जैसे कि मैं इसके बात करती हूँ, खुद हो कि उसको बताती हूँ कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, मेरे इमोशंस तेरे लिए कितने ट्रू हैं, प्यार का कप इनको ऑफर करना चाहते हो। अगर आप लड़की भी हो फिर भी खुद हो कि उनको प्रपोज करना चाहते हो, और लड़का भी हो फिर भी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी और के साथ बिजी है, या तो इसकी ज़िंदगी में कोई और है, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपको ऐसा लग रहा है, या तो ये शादीशुदा भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जैसे कि आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि यार काश इसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं होती तो कितना अच्छा होता, इस तरह के आपके एनर्जीज है, ठीक है। नंबर 4, 3, 1 के आपके क्रश के बर्थ डेट में हो सकता है। 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है, अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हुई है, हम देखते हैं आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। यहाँ पे हेरोपंत का कार्ड है जो यही शो करता है कि आपके क्रश आप इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू है, अगर आप इनको देखते हो, इनकी आंखों में देखते हो, और अगर आपको इनके मतलब कि इनका पैशन आपके लिए फील होता है तो वो ट्रू है, चांसेस स्ट्रांग है आपके क्रश पहले से शादीशुदा है। हेरोफन जो कि शादीशुदा पर्सन को शो करता है, लेकिन अगर ये शादीशुदा नहीं है तो जैसे कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, जो कि आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन करंट में ये फीलिंग्स हाइड करके रखे हैं, 4 ऑफ कॉइंस, या आपको करंट में नहीं बताना चाहते, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके पास आने की कोशिश करेंगे, अपने प्यार का कॉइन लेके आपके साथ सेलिब्रेशन सोच रहे करंट में, या आपको करंट में कुछ भी नहीं बता रहे लेकिन बहुत जल्द बताने की कोशिश करेंगे। करंट में क्यों नहीं बता रहे, स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर कि मतलब पता नहीं मैं कैसे बताऊँ। अगर ये मैरिड पर्सन है तो सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम यही है कि मैं मेरी मैरिज को कैसे हैंडल करूँ, मैं थर्ड पार्टी को कैसे हैंडल करूँ। आपको भी पता है कि इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, ये इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, या तो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन इस थर्ड पार्टी अगर ये थर्ड पार्टी अगर नहीं होती ना, तो जो कि मैं इजीली इसके पास जा सकता था, इजीली इससे बात कर सकता था, और जैसे कि बता सकता था कि यार मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, कितना लाइक करता हूँ, और जो कि जो तुझे फील हो रहा है सेम मुझे भी फीलिंग से, मैं भी तुझे मिलना चाहता हूँ रियल में, अगर आप दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं है तो ये आपसे रियल में दिल से मिलना चाहते हैं।
द मून का कार्ड है यस डेफिनेटली, जहाँ जिस तरह से आप किसी से पूछताछ कर रहे हो, अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो आपके फ्रेंड भी उनसे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आपके बारे में पूछ रहे हैं और चांसेस स्ट्रांग है। द मून का कार्ड है यहाँ पे, इनके माइंड में आपके खिलाफ गलत बातें भरी जा रही है, जो कि ये पर्सन आपके आप में मतलब इंटरेस्ट ना ले, आपको जैसे कि इग्नोर करे, जैसे कि आपके साथ रिश्ते में ना आए। डेफिनेटली जहर घोला जा रहा है इनके माइंड में, या तो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स की तरफ से, और अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं हैं तो ये आपको लेके किसी से डिस्कस करते हैं 100%, जो कि इनके दोस्त हो सकते हैं, जो इनको गलत सलाह दे रहे हैं, बता रहे कि नहीं तो ऐसा मत कर, तू बच जा उसके पास। ये जैसे कि आपकी तारीफ कर रहे हैं उनके सामने कि यार तुझे पता नहीं वो पर्सन कितनी मतलब एकदम क्या बोलूँ, बहुत खूबसूरत है, हॉट है, सेक्सी है, और जैसे कि कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है रे, पता नहीं क्यों, अगर मैं उसको सोचना भी नहीं चाहूँ फिर भी ये मेरे दिमाग में चलती रहती है, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, मैं जैसे पर्सन को मेरी ज़िंदगी में चाहता हूँ ये सेम वैसे ही है, लेकिन मैं क्या करूँ, पहले से मैं किसी के कॉन्टैक्ट में हूँ या तो पहले से मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा कुछ है, इस तरह से मैंने बोला क्योंकि थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, काश ये नहीं होती तो मैं अभी के अभी जाता उसके पास, ये ऐसा कुछ इनको बताते और जो कि ये इनको बताते हैं, फिर नहीं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए, तू पहले थोड़ी टाइम रुक, सोच, और जो कि फिर भी तुझे सही लगा तो तू उससे बात कर, इस तरह से सजेशन इनके इनके जो दोस्त हैं इनको दे रहे हैं। ठीक है, तो जहर मतलब इस तरह से है क्योंकि इनको लगता है या आपके पास आने से रोकते हैं, तो ये जहर ही हुआ राइट, लेकिन जो सोचते हैं जो कि इनकी मैरिड लाइफ को या तो जो पहला पार्टनर है उसको धोखा ना मिले इसके लिए रोक रहे हैं, तो ये उनके नज़र से सही है इस तरह के एनर्जी से। ठीक है, तो ये आप दोनों की इस वक्त की फीलिंग से हम देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप में आपके क्रश का आपको एक्शन कब तक आ सकता है। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स मेरे यूनिवर्स को इनका एक्शन कब तक आ सकता है, मेरे व्यूअर्स को इनके क्रश का एक्शन कब तक आ सकता है। पेज ऑफ सोर्स, ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा, क्वीन ऑफ सोर्स कुछ कंडीशंस रखने की कोशिश करेंगे आपके सामने, और जैसे कि द चैरियट, यस डेफिनेटली इनका एक्शन आपको 7 घंटे 7 दिन और बहुत डिले हुआ था 7 हफ्तों में आने वाला है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स डेफिनेटली अगर ये दूर है तो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे और खुद होके आके मिलेंगे आपसे। ठीक है, और चांसेस स्ट्रांग ये भी हो सकता है कि जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसको स्वीकार करके, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा लेकिन जो कि मेरे प्यार का कब तू स्वीकार कर, मेरे प्यार को स्वीकार कर, ऐसी कुछ कंडीशन वो उस टाइम पे आपके सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्शन आ रहा है, ये आपसे बात करने के लिए ज़रूर आएंगे, क्लैरिटी देने के लिए आएंगे, आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि रुक रुक चली जाओ, तो उस टाइम पे आपसे बात करेंगे, पूछेंगे और डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आपको क्या करना आप खुद करो, इस तरह की एनर्जी से। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।